ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 1 से 15 जुलाई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नए भारत की अर्थ क्रांति यानी जीएसटी के 6 वर्ष हमारे इस अंक की आवरण कथा है, जिस पर पिछले सप्ताह आपसे विस्तार से चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे पत्रिका के अन्य आकर्षणों, चिकित्सा दिवस के अवसर पर मानवता की सेवा में डॉक्टरों के योगदान और चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार के काम को इस अंक में विशेष जगह दी गई है। साथ ही डिजिटल इंडिया आज हर योजना का आधार है, ऐसे में डिजिटल इंडिया की 8वीं वर्षगांठ पर विशेष स्टोरी इस अंक में शामिल है। G20 के विकास मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सहित G20 के अन्य कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा और प्रधानमंत्री की ओर से विकास योजनाओं की सौगात आदि इस अंक का हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 102वीं कड़ी के प्रमुख अंश भी पत्रिका में शामिल किए गए हैं। समाचार सार के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की गई हैं, जिनमें स्वावलंबन से समृद्धि, निधि खादी को नई संजीवनी, समर्थन मूल्य योजना में ज्यादा दाल खरीदेगी सरकार, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज की श्रीलंका यात्रा शुरू, गोवर्धन योजना के लिए अब एक ही स्थान पर होगा रजिस्ट्रेशन और भूतपूर्व सैनिकों को गरिमापूर्ण रोजगार देने की पहल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए विश्व के सामने भारत की बुलंद तस्वीर पेश की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार KVIC के उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले 9 वित्त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों पर देश की जनता का भरोसा बढ़ा है। देश में दलहन उत्पाद को बढ़ावा देने और बाजार में दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। दाल प्लांट के आधुनिकीकरण, उच्च उपज वाली उन्नत किस्म के बीजों का वितरण करने के अलावा किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना में अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40% खरीद की सीमा को हटा दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब सरकार जितना चाहेगी दाल खरीद सकेगी। भारत की ब्लू इकोनॉमी की क्षमता को सामने रखने वाली एक और उपलब्धि राष्ट्र ने हासिल की है। जहां विश्व की सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने 28 फरवरी को पहली यात्रा पूरी की थी और अगले 2 वर्ष तक सीटें पहले से बुक हैं, वहीं अब देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एम्प्रेस ने श्रीलंका के लिए अपनी यात्रा 5 जून को शुरू कर दी है। इसी के साथ चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत भी हो गई है। इन सभी समाचारों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किसान भाई बहनों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे अन्नदाताओं को उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम तक 28.50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। इस मार्ग में 27 स्टेशन होंगे। इस लाइन के शुरू होने से पुराना और नया गुरुग्राम आपस में जुड़ जाएगा। अभी तक पुराने गुरुग्राम में मेट्रो लाइन नहीं है। परियोजना पूरी होने के बाद यह नेटवर्क भारतीय रेलवे स्टेशन से जुड़ जाएगा। अगले चरण में यह IGI हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। खास बात है कि मंजूरी की तिथि से इस परियोजना को अगले 4 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। इसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा। एक अन्य फैसले में सरकारी क्षेत्र की दूर संचार कंपनी BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। यह निर्णय कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। BSNL की अधिकृत पूंजी 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.1 लाख करोड़ रुपए की जाएगी।
देश भर में 4G और 5G सेवाओं का विस्तार होगा। साथ ही ग्रामीण और वैसे गांव जहां 4G सेवा अभी तक नहीं पहुंच पाई है वहां तक कवरेज होगी। मंत्रिमंडल के इन सभी फैसलों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी माना जाता है। डॉक्टर के योगदान को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं उन सभी डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कोरोना सहित कई गंभीर बीमारियों की चुनौतियों का समाधान खोजा। डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाला यह दिन डॉक्टर्स डे चिकित्सा बिरादरी के लिए सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है। कोविड जैसी घातक संक्रामक बीमारी का पता लगाने के बाद मरीज भी इलाज के लिए अस्पताल जाने से कतराने लगे थे। ऐसे समय में डॉक्टरों ने जान की परवाह किए बिना अपने पेशे के साथ न्याय किया और मानव सेवा को सर्वोपरि रखा। वह भीषण गर्मी में भी 10 से 15 घंटे पीपीई किट और फेस शील्ड पहन कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते रहे। मरीजों के परिजन की भूमिका भी निभाई। इस आपदा को अवसर में बदलकर केंद्र सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन की बड़ी फौज तैयार की। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार स्वस्थ भारत के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि के साथ देशवासियों तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करा रहा है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत है। आजादी के बाद 70 वर्षों तक देश में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर जहां महज 47,000 वेंटिलेटर थे, वहीं कोरोना काल के दौरान पीएम केयर फंड से 50,000 नए वेंटिलेटर देश भर के सरकारी अस्पतालों में लगाए गए। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में गंभीर मरीजों की जान बचाई गई। कोरोना मरीजों के लिए करीब 18 लाख आइसोलेशन बेड, 2.5 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड, करीब 70,000 आईसीयू बेड तैयार किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच जिसमें विकसित भारत का सपना सर्वोपरि है, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में चिकित्सक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। चिकित्सक दिवस पर यह विशेष रिपोर्ट आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन में प्रकृति और प्रगति साथ साथ है। इसी दर्शन को आत्मसात कर नया भारत इकोनॉमी पर जोर लगा रहा है तो उतना ही ध्यान इकोलॉजी पर भी दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहा है तो पर्यावरण पर फोकस के साथ मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का संदेश भी दिया है जो विश्व में जन आंदोलन बन रहा है। ग्रीन फ्यूचर ग्रीन इकोलॉजी अभियान को बढ़ाते हुए अमृत धरोहर योजना और मिस्ट्री योजना की शुरुआत की गई है। भारत पर्यावरण और ऊर्जा परिवर्तन में एक दिग्गज के रूप में उभरा है। 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहा है। भारत ने वर्तमान जरूरत और भविष्य के विजन का संतुलन बनाया है। जहां केंद्र सरकार गरीब वंचितों की मदद कर रही है तो वहीं भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम भी उठा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी पत्रिका में शामिल है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2018 से दो स्तर पर काम कर रहा है। एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया तो दूसरी तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य कर दिया है। इस कारण भारत में लगभग 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग का अनिवार्य रिसाइकिल किया जा रहा है जो भारत के कुल वार्षिक अपशिष्ट का 75% है। इस दायरे में लगभग 10,000 उत्पादक आयातक और ब्रांड भी हैं। इसे भी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला रोजगार मेला अब केंद्र सरकार की एक नई पहचान बन गई है। रोजगार मेले के तहत भारत और राज्य सरकारों के द्वारा हर महीने हजारों नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। यह युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रोजगार मेले से युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को एक बार फिर राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, जज्बा और जीत, यह पहचान है युवा भारत की। यह मिसाल है नए भारत की। हमारी युवा शक्ति
पूरी दुनिया में आशा और विश्वास जगाती है। आज कौशल विकास से लेकर नवाचार और स्टार्टअप तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के विजन के साथ ऐसी नीतियां तैयार की गई और निर्णय लिए गए जिनसे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और उद्यमिता के लिए बड़े पैमाने पर मौके बने हैं। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुट जाना है। आज देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है जिसने युवाओं के लिए असीमित संभावनाएं और उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव रखी है। इसी कड़ी में रोजगार मेला समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार के लिए बन रहे अवसर और पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर विशेष क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था, और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो दो दो पांच पांच साल बिगड़ जाते। ये सारी चीजों से बाहर निकलकर अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर काफी जोर दिया है। इसी प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 3.5 लाख ST छात्रों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2025-26 तक देश भर में कुल 740 EMRS स्थापित करने का प्रस्ताव है। 2014 से पहले 167 EMRS स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से केवल 119 संचालित थे। हालांकि पिछले 9 वर्षों में स्वीकृत स्कूलों की संख्या बढ़कर 690 हो गई है। इनमें से 401 EMRS देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। वहां 1.13 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से 51% लड़कियों का नामांकन शामिल है, जो शैक्षिक अवसर तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। इस पर भी एक संक्षिप्त रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों और अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।